Ladies and gentlemen, once again, I say hello to you all. Hello to you. Sat Sri Akal ji, namaste to all my Gujarati friends. Came to buy you and listen to last month release. Give it a four. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodhi and you're listening to and you're watching us on Mera FM 107.4. Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Sialkot, Bahawalpur, wherever you're listening to me. If you're listening to me, then you're listening to your own show. East or the West, you definitely are the best. And ladies and gentlemen, आज बहुत चिल किस्म का शो होने वाला है. रीजन इज बिकॉज कल बदर ने कहा था और आज मैं बदर की बात को पूरा कर रहा हूँ. पता है, ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि ये वाले शोज हों, लेकिन इनका एक पर्पज होना चाहिए. तो आज जितने भी लोग हैं, दिल थाम के बैठे हैं, बिकॉज आज हमने महफिल लगाई हुई है. सीरियसली एक महफिल है. इट्स अ ट्रिब्यूट टुडे टू ऑल द सिंगर्स. और आज कोशिश हम ये करेंगे कि वैसे तो सारे ही पाकिस्तानी गाने होंगे, लेकिन एक आध नंबर शायद हम इंडियन भी करें. बिकॉज यू नो, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, म्यूजिक की हिस्ट्री लिखी जाएगी. और आज जितने भी लोग हैं, अपनी अपनी चाय बना लें. अगर आपने खाना नहीं खाया तो प्लीज खाना भी साथ खाइएगा, बिकॉज कल ये शो अपलोड हो जाएगा. एंड दिस इज नॉट टू बी मिस्ड. दिस इज रियली नॉट टू बी मिस्ड. आज मैंने अपने ही शो में अपने एक बहुत खास मेहमान को दावत दी है. मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्तों में से हैं, उस्तादों में से हैं बेसिकली. और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है. मैंने तो बहुत कुछ सीखा है. मेरी नोक पलक इन्होंने बहुत संवारी है. मैं इनके उन शागिर्दों में से हूँ जिसपे इन्हें अफसोस है, बिकॉज मैं अभी तक नहीं सीख सका. लेकिन बहरहाल ये खुद बहुत अच्छा गाते हैं. और लेकिन कभी कभार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि हम इतने मसाइब में घिर जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर घिर जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा रास्ता कौन सा होना चाहिए था. एंड सम हाउ वी टेक अ रॉन्ग टर्न. और जब हम वो रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हम सीधे रास्ते पे नहीं आ पाते. नन द लेस ही इज हियर टुडे. और आज आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इनका फैन हूँ. और इनसे आप इनकी बातें भी सुनेंगे, इनके हालात भी जानेंगे. और सबसे बड़ी बात यह कि मिजाज के बड़े अच्छे आदमी हैं. और जिन जमानों में मैं अपने मॉर्निंग शोज किया करता था, तो उस जमाने में ये कोने पे खड़े रहते थे. और यू नो, इनके दो बड़े पेट वो थे. एक तो ये तबले वाले की जिंदगी अजाब कर देते थे. वो बेचारा अपनी जिंदगी से नफरत करने लगता था. उसका दिल चाहता था वो कहीं जाके सर चक्कर मार के फोड़ ले. और ये बताए, और तबले वाले को मुसलसल बताते रहते थे. एक दिन वो छोड़ के खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने काम ही नहीं करना, जाओ जो मर्जी कर लो, मैंने ये काम ही नहीं करना, ये काम खराब काम है, मैंने करना ही नहीं है. अच्छा, फिर इसके साथ साथ जाहिर है ये दूर खड़े हो गए थे, अल्लाह, मतलब वो एक कमाल इनका अंदाज था. तो लेकिन आज मेरे मेहमान है. मैं आपको बताऊंगा कि आज का शो है क्या. ये ऐसे शोज आपको अक्सर अब देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे. पाकिस्तान के वो लोग जो टैलेंट के एतबार से दुनिया के किसी भी शख्स से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम हम उस तरह से नहीं जानते जैसे जानना चाहिए. अब उसके अंदर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करते हैं. अभी एक दिसंबर के अंदर मैं शो ला रहा हूँ. एंड दिस इज गोइंग टू बी, इनफैक्ट आज भी हम उसी पे काम कर रहे थे. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ एंड प्रोबब्ली ऑफ आर इंडस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एवर. लेकिन और उस शोज में उन एपिसोड्स के अंदर, वो 26 एपिसोड्स का एक सीजन होगा, और उन एपिसोड्स के अंदर मैं अब्बास भाई जैसे लोगों को लेके आऊंगा. और इनको आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी, जानेंगे भी, इनकी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे. बट आज मैंने इनको यहाँ एज अ प्रोमो, एज अ ट्रेलर दावत दी है. एंड ही इज हियर विद मी. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड द ओनली अब्बास भाई. अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं अब्बास भाई? ठीक ठाक, करम है अल्लाह. क्या चल रहा है? बड़ा एहसान है. चल तो कुछ भी नहीं रहा, बस पेट्रोल ही पेट्रोल चल रहा है. पेट्रोल चल रहा है. आवाजें बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं, और शुक्र करना है हर हाल में. ये तो सब चलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ बड़ी बात है आपकी एनर्जी को. वाह 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 वाह. नहीं, मेरी एनर्जी तो आ ही जाती है. नहीं 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 नहीं, आप भी तो उसी हिस्से में हैं. लेकिन ये करम है उस पाक परवरदिगार का कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही, और अब तक क्रोमिंग के लिए आप अपने आप को, बड़ी बात है, बड़ी बात है. मतलब ऐसे लोगों को क्रोम करना चाहते हैं जो जंगालूद हो रहे हैं. नहीं नहीं, नहीं, आप जंगालूद कभी भी नहीं हो सकते. अच्छा, ये समझ लीजिए बात को ना, ये कसरे नफसी से कोई काम लेंगे, बहुत ज्यादा लेंगे. अब समझ लीजिए कि जरूरी नहीं कि अगर आपका नाम उस तरह से नहीं बना जैसे बनना चाहिए था, तो आप फनकार भी उतने बड़े नहीं. ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं. मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर आपने मुझसे गाना सुना था, पियो और जियो जब तक दम में है दम. ये गाना मैंने अब्बास भाई से पहली मरतबा सुना था, और ये मैंने सुना था आसिफ अली मेहंदी साहब के घर पे. और जब इन्होंने गाया इस गाने के बारे में, मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत पसंद करता हूँ, खान साहब को, जाहिर है उनके कदमों की खाक में, बड़े कमाल आदमी है वो. लेकिन मैंने भी उनका ये गाना नहीं सुना था. अच्छा, फिर जब मैंने इस गाने की थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि बदर मुनीर साहब इसमें हीरो थे. अब अल्लाह ताला जब मेहरबान होने पर आता है, तो फिर किन किन चीज़ों पर मेहरबानी करता है. बदर मुनीर साहब एक ऐसे शख्स थे जो एक्स्ट्रा से आए थे,
और फाइट के फाइट इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, मुआवन हुआ करते थे वो फाइट के अंदर, और फिर अचानक से वो हीरो बन गए. राही साहब एक्स्ट्रास में से थे लेकिन फिर वो हीरो बन गए. और ये दो नाम ऐसे हैं, सुल्तान राही और बदर मुनीर, कि इनके नाम से उस वक्त का बच्चा बच्चा वाकिफ था. उस वक्त का कोई फिल्म पश्तो की ऐसी नहीं थी जो बदर मुनीर साहब के अलावा बन सकती थी, और पंजाबी या एक ज़माने में उर्दू भी, बट पंजाबी की कोई फिल्म ऐसी नहीं थी जो सुल्तान राही साहब के अलावा बनाई जा सकती थी. अच्छा, हैविंग दैट सेड, लेकिन ये फिल्म जो थी जिसमें ये गाना था पियो और जियो जब तक दम में है दम, ये उर्दू की फिल्म थी, और ये गाना मैंने सबसे पहले अब्बास भाई से सुना था. और आई लव यू ब्रदर. तो थोड़ा सा आपके सफर के बारे में बात हो जाए. अच्छा, ये बिल्कुल चिल किस्म का शो होगा लेकिन कुछ रियलिटीज होंगी. आज का शो कॉल वाला शो नहीं, आज प्लीज कॉल मत कीजिएगा, आज सुनिएगा मुझे. आज मैं चाहता हूं कि आप सुने, आज मैं दिल खोल के पाकिस्तान के फनकारों की जरूरतों को, और कहीं कहीं जहां वो नॉट इन द सेंस जरूरत इस बात की कि उन्हें पैसे की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, वो जरूरत कि उनके नाम को भी उसी तरह से जाना जाए, उनको भी उसी तरह से प्रमोट किया जाए जैसे दूसरे लोगों को किया जाता है. देखें, अगर फर्ज कीजिए अब्बास भाई कहीं और होते या हिंदुस्तान में होते या किसी और जगह होते तो शायद कहानी जरा सी मुख्तलिफ होती. मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल मुख्तलिफ होती, लेकिन शायद जरा सी मुख्तलिफ होती. या फिर अब्बास भाई के पास भी वही हुनर होते जो बाकी और लोगों के पास थे, अब आप समझ जाइएगा, तो शायद कहानी मुख्तलिफ होती. लेकिन ये बड़े सीधे साधे आदमी थे, इनको फन से लगाव था, फनकार आदमी हैं. इन्होंने ये सोचा कि मेरे पास अगर फन है तो बस फिर सभी कुछ ठीक हो जाएगा. फन तो बिल्कुल था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लगता है, जो आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती हैं जहाँ आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. और वहाँ पे अब्बास भाई ने डिसाइड किया कि उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. और जाहिर है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के. क्या बात. और तो आइए बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम. आज दिस इज लाइक माय पॉडकास्ट. मैं कभी भी जब दावत देना चाहूंगा पॉडकास्ट में तो ऐसे ही लोगों को दावत देना चाहूंगा. लेट्स टॉक टू हिम. जी अब्बास भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये सफर कब शुरू हुआ था आपका? कब से आपने गाना शुरू किया था? मेरा ख्याल 30 साल हो रहे हैं, बल्कि 30 से ऊपर हो रहे हैं. 30 से ऊपर हो रहे हैं. पहला गाना याद है कौन सा था, जो पहला गाना आपके जहन पे नक्श हो गया? इंडियन, मतलब कोई बात नहीं, इंडियन है तो क्या हो गया. अच्छा, हमारे साथ बड़ी हिपोक्रेसी है ना, हम फिल्में भी इंडियन देख लेते हैं, गाने भी इंडियन सुन लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कहने की, एक्सेप्ट करने की, तो मानते हैं. मैं यहाँ एक बात कहूँगा साहिर भाई, इंडियन गाने मैंने सुने, लाइक किया, पसंद किया, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने नोक पलक सीखी वो पाकिस्तानी. ऑफ कोर्स वो बात नहीं है, यकीन करें आप, ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ. हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त टैलेंट है. नहीं, ये बात मैं कर ही नहीं रहा. मैं तो कह रहा हूँ बंदे को सच बोलना चाहिए. बिल्कुल सच है. देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ और वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं और बेतहाशा देखे जाते हैं. बिल्कुल. तो मैं ये कहता हूँ कि ये फनकारों को जरा इससे थोड़ा सा हटके जाना चाहिए. लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो मैं कल भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, आई थिंक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक रखना पड़ा रहेगा. आप कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दीजिए, वी आर रेडी टू टॉक. अच्छा जी, एनीवे, तो कमिंग बैक टू यू, तो कौन से गाने थे जो पहला गाना जहन पे नक्श हो गया था? किशोर साहब को मैंने लाइक किया, किशोर कुमार का. शायर भाई, कौन सा गाना? बहुत से गीत थे उनके जिसमें से जो मेरा पग घुंघरू बहुत हिट हुआ. ओके. किशोर साहब का, और एक रास्ता है जिंदगी, और इस तरह के जो जॉली टाइप उन्होंने सिंग किए हैं. एक रास्ता है जिंदगी, और भी इस टाइप के गीत. इस टाइप के, हाँ. सब कुछ ड्यूट भी हैं. आप तो खातून की आवाज में भी गा लेते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं. मतलब खवातीन साथ होती थी, ऐसा होता था कुछ आपके साथ हुआ करते. हाँ, फिर आपकी शादी हो गई जनाब, फिर पाबंदी लग गई? नहीं नहीं, पाबंदी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, पाबंदी नहीं लगी, बस वो एक मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर ऐसा हो गया. ऐसा हो गया. हाँ, क्योंकि लेकिन भाभी से आप प्यार तो बहुत करते हैं. बेहद, माशाल्लाह, 8 बच्चे हैं मेरे, अंदाजा लगा. मैं तो क्यों अंदाजा लगाऊं, लेकिन बिल्कुल ठीक है. That's good. अच्छा, फिर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार अब्बास भाई, अगर आप चाहते तो ये 3 ही होते, ये 4 ही होते. तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि अल्लाह कहता है मेरे काम में मुदाखलत नहीं करो. जी, तो अच्छा, खैर, भारत में इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता अब्बास भाई. ये सच है ना, आप तो सच बोलते हैं. फिर जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आपका फैसला था और ये सही है, आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त है. मैं अभी भी यही कहता हूँ, बच्चे 2 ही अच्छे, प्लीज इसको समझ लीजिए, और यू नो प्लीज इसको समझ लें, खुदा का वास्ता समझ लें. अच्छा, कमिंग बैक टू यू सर, तो सफर शुरू हुआ, तो फिर क्या हुआ, क्या मुश्किलात आई सफर में? बेहिसाब. क्या क्या मुश्किलात आई? सबसे बड़ी मुश्किलात फाइनेंशियली,
जो अच्छा, ये एक सच्चे पाकिस्तानी की बात है, सुन लीजिएगा गौर। जी सर जी, फाइनेंशियली बहुत तकलीफें आई और वक्त मेरा बड़ा, बस मैंने अल्लाह तेरा शुक्र करके गुजारा। अच्छा, कितने कितने पैसे मिल जाया करते थे आपको उस वक्त जिस वक्त आप शोज किया करते थे? ओहो हो, बड़ा बारीक सवाल है ये तो। मतलब स्टार्ट मेरा हुआ था 500 रुपए से एक शो। जी ओके, अब उसी में सब चीजें मेंटेन करनी है, उसी में 500 रुपए पे। जी, और बाइक भी नहीं थी मेरे पास। हाँ, ये एक हसीन आदमी मुझे मिला पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने मेरी पहली मुलाकात कराई उस हसीन आदमी से। तो उस हसीन आदमी ने मुझे बाइक दी, सुभान अल्लाह, और उसका नाम है ज़ाहिर लोधी। ओके, वाह। एनीवेज, आप आगे बात करें, ये बात कहने की नहीं होती यार। अच्छा, चले, चले, नहीं अच्छा, ओके 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 ठीक है ओके, हम आगे जब बात करते हैं। अच्छा बाज भाई, तो ये बताएं, उस वक्त आप 500 रुपए लिया करते थे? जी ठीक है। और शोज मिला करते थे काफी? बेहिसाब। एक रात में कितने शोज करते थे? तीन तो पक्के। तीन पक्के? उसमें आप ओपनिंग करते थे शो की या बीच में आते थे? मैं क्राउड देखता था, मैं क्राउड क्या कह रही है। अच्छा, और कितने गाने गाया करते थे? चार, कहा ऑर्गेनाइजर का कहना होता था कि चार करेंगे आप, मगर पब्लिक आठ करा देते। पब्लिक आठ करवा दे, और जाहिर है आप करते थे, करम है उसका, करम है उसका। ऑलराइट ऑलराइट, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जरा गाने की तरफ चलते हैं। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, हम न तरसे, गुलजार साहब यहाँ मौजूद हैं, और सर आपका नाम क्या है? हसनैन शाह। हसनैन शाह, अच्छा ये देखें, ये पक्के आर्टिस्ट लोग हैं, कमाल किस्म के आर्टिस्ट लोग हैं, लेट मी टेल यू। और हमारे पास जगह नहीं थी और टेबल्स नहीं थी, और ये नीचे ही मतलब बैठ गए। इट्स अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, वी लव यू। तो गाना है हम न तरसे कभी फिर खुशी के लिए, गुलाम अब्बास साहब का गाना। जी चलू। अच्छा, ये ट्रिब्यूट है, सारी ट्रिब्यूट है, सारी की सारी ट्रिब्यूट है, तो ये प्लीज इसको ऐसे ही जाने दीजिएगा। आज देखिएगा, ये वो फनकार हैं जिनको, जिनके नाम से शायद आप वाकिफ नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग। सर प्लीज, क्या बात, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वाह। ऑलराइट जी, एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वी आर गोना कंटिन्यू दिस, और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मालूम नहीं है, वो हम बात करेंगे। किस तरह जाती है भाई दुनिया, आपको किस तरह देखती है ये नहीं पता आपको, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नहीं पता रखे तो। हाँ हाँ, नहीं आप तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं, और मेरा ख्याल तो फोटो कॉपी भी नहीं आएगी आपकी। नहीं आएगी? ना ना ना, चले यार, बहुत मुश्किल है। आप यकीन करो, भला की चीज हो आप, आपको समझने के लिए बड़े बड़े दिमाग चाहिए। ओहो, क्या बात है। अच्छा अच्छा, ये हमारे लिए तो भाई फख्र पाकिस्तान है, और इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ या आप ने इस काबिल समझा कि ऐसा कुछ हो जाए। मैं तो एक सच बोल रहा हूँ, मुझे बीमारी कह लें, मुझे कुछ भी कह लें, मुझे आदत है, मैं ब्लैक को ब्लैक कहता हूँ, वाइट को वाइट कहता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब शुरू किया आपने ये सफर, तो क्या ख्वाब क्या थे, और सच बिल्कुल बोलना, कहाँ जाना चाहते थे? क्या बात है यार साहिर भाई, क्यों दुखा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, दुखा नहीं रहा मैं, आज मैं हम अपने आप को ये बताना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं गलत जरूर होते हैं। हम ये जो हमारे, पता है, हमारे बड़े अप्रीहेंशंस होते हैं, हम खुद सबसे बड़े यू नो रेशियल फिनोमेना का शिकार होते हैं, हम खुद सबसे ज्यादा लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम सेक्टोरियल हैं, माजरत के साथ। जब तक हम ये बातें नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ फन भी ना गलियों और मोहल्लों में डिफरेंट है, शहरों में डिफरेंट है, जबानों में डिफरेंट है। हम आज तक ये समझ नहीं पाए कि फन तो फन होता है, फन किसी एक चार दीवारी की मीरास नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब फनकार हमारे यहां से चला जाता है, तो एक जमाने में दो लाइंस लिख दी जाती थी कि वो चले गए। आज बड़े बड़े लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके बारे में कोई नहीं जानता। रूबीना कुरैशी जैसी आर्टिस्ट आज अब्दुल्ला शाहगाजी के मजार के हाथ में दफन है, और किसी को भी नहीं पता। नॉनदलेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो काम है वो तो जरूर करना है, क्या पता फिर से कुछ रिवाइव हो जाए, क्या पता ऐसे लोगों को लेके कोक कुछ बना ले। नए लोगों को तो मौका मिलता है, कुछ ऐसे लोगों को मौका दे दें जिनसे जिंदगी थोड़ी सी अनफेयर रही है, और जो खुद भी थोड़ा सा जिंदगी से अनफेयर रहे। और आप नहीं देंगे तो मैं तो दे ही दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आवाज भी जाएगी। आज तो सिर्फ प्रोमो है, ये पूरी पिक्चर दिखाऊंगा आपको अपनी जिंदगी में मरने से पहले, ये पूरी पिक्चर आपको नजर आएगी।
अच्छा एनीवे कमिंग बैक टू यू सर, क्या बनना चाहते थे, क्या सोचा था? बस ऐसे ही जो सब सोचते हैं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, एक अच्छी जिंदगी होगी, खुशहाली होगी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करूंगा, पाकिस्तान के लिए कोई मतलब एक बिग नहीं, कम से कम एक नॉर्मली किसी लिस्ट में होऊंगा, कुछ लोग मेरे लिए भी क्लैप करेंगे, कुछ लोग मेरे लिए भी खड़े होंगे, कुछ लोग मुझे भी सुनेंगे, सबको थोड़ी सुनते हैं भाई, कुछ कुछ होता है ना, तो वो कुछ कुछ में भी ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, वाले साहब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस में थे, ठीक है, वो मुझे कहते रहे कि मामूली चपरासी लग जा, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, तो मैंने उस चांस को भी नहीं अवेल किया, नो मैंने गाना, जो फनकार होता है वो तो फनकार ही होता है, हाँ, क्योंकि तो हसन जहांगीर के बाद मेरा ही नंबर था। वाकई में? बिल्कुल ऐसा है, हसन भाई, इस हसन भाई आपसे पहले के? अरे हमारे साथ के हैं, 125 का जमाना, वो 110 का जमाना, उनके पास एक 110 थी, और यामाहा 110, जी जी यामाहा ना, यामाहा 110, जी जी, और बड़ा वो, इंशाल्लाह कोई ऐसा मौका आएगा कि हम आपके सामने बैठेंगे तो फिर वो खुद से बताएंगे कि हाँ यार ये बिल्कुल रियल है। नहीं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं अल्लाह उनको सलामत रखे, हसन भाई भाई कमाल आदमी है, कोई शक नहीं। हाँ, उन्होंने हवा है, एक ही ऐसी हवा चलाई, वो पूरी लाइफ बना के बैठ गए। नहीं, वो तो फलसफा देते हैं, उन्होंने ये भी कहा शादी ना करना यार, पछताओगे, वो तो बात, कमाल वो बात का मंजन है। अच्छा, मंजन है, पहला मंजन उनका हवा 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 हवा, जिससे ऐसी लाइफ बना के बैठ गए वो। हाँ। के डिफेंस में और इस तरह की जो जगहें हैं वहाँ जिदे करते हैं बच्चे, मैं केक नहीं काटूंगा जब तक हसन भाई नहीं आएंगे। सीरियसली? अरे क्या बात है भाई, I'm sure. हाँ, वो भाई I love him, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है हसन भाई, हसन भाई बहुत कमाल आदमी। लेकिन हसन भाई का एक और बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को नहीं पता, हसन भाई अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, अमेजिंग, बहुत ज्यादा। मेरी सात बेटियां हैं, आपको तो पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कमिंग बैक टू यू सर, तो आप बनना चाहते थे, नहीं बन सके, कभी आपको लगा दुनिया ने तो कुछ आपके साथ इंसाफ नहीं किया होगा, अनफेयर रही होगी, कभी आपको लगा कि आप खुद भी अपने आप से अनफेयर रहे, नहीं, कुछ आपकी गलतियां भी हुई? ऐसा नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। मुझे तो पब्लिक ने तो बहुत सराहा, पब्लिक को मैं नहीं कहूंगा, मगर अब ऐसे भी मैं नहीं कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने बस मेरी गुर्बत से ना मुझे बहुत पीछे रखा। वजह क्या? वजह ये, हाँ, गुर्बत। लेकिन फनकार तो फनकार होता है, फनकार क्या? हाँ, फनकार फनकार होता है, मगर वो वक्त थोड़ा सा डेवलप होता रहा, थोड़ा सा मॉडर्नाइज होता रहा, तो बोला यार ये तो पैदल है, ये पता नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे। रियली? हाँ, तो ये गाड़ी वाला है लेकिन ये बेसुरा है, बोले ये टाइम पे पहुँच जाएगा, शो कटने लगे, मैं पीछे हटने लगा, फिर बस इस तरह की। Are you serious? ये ऐसी बातें हो सकती? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपको कोई नहीं, मुझे आपकी कहानी सुननी है, मुझे जी, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, तो इस तरह होने लगा, फिर दिल भी अजीब होने लगा, फिर गेट टुगेदर करने लगे, फिर इस तरह के साथ मिलने लगे, तो रू बनने लगी, फिर समझ आने लगी, फिर इसको बाकायदगी से दिल चाह करने का, तो बाकायदगी से भी बड़ा टाइम लगता है साहिर भाई, आप तो माशाल्लाह। अच्छा, आपको लगा ऐसा कि लोगों ने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स की हो? ऐसा भी हुआ। लोगों ने पॉलिटिक्स की? बिल्कुल ऐसा हुआ, और जाहिर है उस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं आपको पीछे छोड़ा? बिल्कुल ऐसा हुआ। क्या वहाँ भी लॉबिंग होती है? अरे कमाल की बात पूछ रहे हैं आप यार, ये होती है, क्या होता है? अच्छा, मुझे नहीं पता ना, आप बताइए ना। अरे वाह भाई वाह, सवाल में ही तो जवाब है। नहीं, मुझे मालूम नहीं। होती है, होती है। हाँ, ये जवाब लगता है कि? अरे लगता नहीं। और आपके साथ हुई? मेरे साथ नहीं, मुझ जैसे अब्बासों के साथ। अब्बासों के साथ, ओके ओके। अच्छा, मैं चूंकि देखें मेरे साथ एक अजीब सिलसिला है कि मैं सिवाय खुदा की जात के किसी पे भी यकीन नहीं करता, और सब पे यकीन करता। बेशक ऐसा ही करता, मैं सब पे यकीन करता और किसी पे यकीन नहीं करता। आप मुझे जितने रास्ते में रुकावटें डालेंगे ना, मैं और मजबूत हो जाऊंगा। मतलब मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि मैं आप इतना पक्का फनकार नहीं हूँ, साफ सी बात तो ये, हकीकत तो ये। देखें, मैंने बड़े धड़ल्ले से गाने गाए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे से बेसुरे गाने गाए हैं। क्या बात, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो बैंड हमारे साथ बजाता था ना, क्या बात, वो बेचारा बाद में सर पीटता था कि साहिर भाई। अच्छा, भाई को मना करने वाला तो कोई भी नहीं है, तो भाई का शो है, अब भाई ने तो गाना गाना है, भाई को एक ही चीज का शौक है और वो गाने गाने का शौक है। ये शूटिंग पे जाए गए थे अब्बास भाई, बड़े मजे की बात है, शूटिंग पे गए तो अच्छा, अब हमारी चार दिन की आउटडोर की शूटिंग, दिल फकीर हम लोग पिक्चराइज कर रहे थे। अच्छा, और उसके अंदर मैं अपना बैंड साथ ले गया।
अच्छा ये सारे के हम अपना पूरा शूट करते थे. रात को मैं बिल्कुल बैंड स्टैंड, मैं जनरेटर साथ लेके गया था, मैं बैंड स्टैंड बिल्कुल अलग लगाता था. मुझे 15 गाने आते हैं, वही 15 गाने पूरी रात हम गाते थे. वाह वाह वाह, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट्स व्हाट इट इज. तो मुझे बड़ा शौक रहा है. तो खैर इरिस्पेक्टिव, तो आप कहते हैं लॉबिंग भी हुई और आप कहते हैं कि लोगों ने आपको यू नो पुश भी किया और आपको जाहिर है पुल भी किया, आपके खिलाफ सियासत भी हुई, ये सब कुछ हुआ. कहाँ आपने कभी हिम्मत हारी और कहा कि यार बस अब मैं नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं आया अभी तक. तो नहीं आया जहन में. अभी भी कर रहे हैं शोज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अभी मेरे पास कोई ऐसा कोई जॉब भी नहीं है. मैं फिलहाल तो इसी में एक बहाना है, कुछ कलाम मैंने कहा ना, जब सच्चाई और रूह से ताल्लुक हुआ तो फिर मौलाई तबीयत जो सच्चाई है हकीकत है, तो उसमें फिर मैंने आपदा जी को चॉइस किया. बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का. एक मुलाकात भी हुई आपदा जी से, तो उनका कहना ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा नाम ऐसा है कि लोग कितनी ही बातें करें, कितने ही रास्ते रोकें, कोई शक, मगर जहाँ तक की तुम्हारी मंजिल है तुम वहाँ जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो ये मैं मतलब फिर वही बात आ रही है जहन में, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आ रही. ये मैं खुश नसीबी है ना, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ यार. ये कमाल की बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा अच्छा, ये बात आप शायद नहीं समझ पा रहे हो और ये पब्लिक समझेगी कि यार अब्बास भाई क्या कह रहे हैं. एक मरतबा मैं दाता कोच, अभी बाइक तो थी नहीं तो मैं दाता कोच में जा रहा, ऊपर छत लोड, अंदर क्राउड पैक, और उसने FM लगाया वासाहिर लोधी साहब का. मैंने कहा ये क्या यार, इसके पास कोई ऑडियो कैसेट नहीं, कोई इंडियन, कोई मैडम नोट जान, ना ना. मैं करते करते उसकी सीट तक पहुंच गया. मैंने कहा सरकार आपको इसके अलावा कुछ नहीं? कहता है नहीं यार, ये जब तक मैं नहीं सुनता मुझसे गाड़ी ही नहीं चलती. यकीन कर लें आप ये दाता को. नहीं नहीं, I can believe that. ये मुझे आज भी वो ड्राइवर है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि आप जो है ना वो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप बोलते क्या हैं. पता नहीं, ये तो सच है. मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे ना कल. अच्छा होता क्या है, बहुत सारे लोग बहुत हैरान होते हैं. मेरे सब पाँव में चोट लगी हुई है. मैं इन लोगों के साथ आ रहा था और इट टुक मी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू कम अप. और मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी. अब्बास मेरे बड़े क्लोज हैं, शानी मेरे बड़े क्लोज हैं, नवीद मेरे क्लोज हैं, राजा मेरे क्लोज हैं. इनको पता है मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाला आदमी हूँ. उन लोगों के साथ बात करता हूँ जिन्हें मैं बहुत करीब से जानता हूँ. अगर मैं किसी को करीब से नहीं जानता तो यूजली मैं बहुत चुप रहता हूँ. और अगर कभी आप मेरे साथ ट्रैवल करें तो आपको लगेगा कि शायद मैं बात ही नहीं करता. उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बात करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत कुछ होता नहीं है बात करने को. जब मैं टेलीविज़न पर जाता हूँ या रेडियो पर आता हूँ, मैं क्या कहता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता. आज तक मैंने कभी किसी स्क्रिप्ट का सहारा नहीं लिया, IFB नहीं लगाई. शुरू के एक ज़माने में मैं लगाता था तो बाद में उसको उतार के निकाल के यहाँ पीछे फेंक देता था और उसके बाद लगाना ही छोड़ दी. और अब तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि मैं IFB नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता कि पीछे से आपको वो बता रहे हूँ. बस मुझे जो होना है बस वो हो जाएगा. तो और आप इसके बाद अगर मुझसे पूछें ना, हम 4-4 घंटे के लाइव शोज करते थे, आप मुझसे पूछ लें कि मैंने कहा क्या है, तो लिटरली मुझे नहीं पता. ये अल्लाह ताला है जो बस मुझसे करवा लेते हैं, वरना मैं तो आई हैव नो टैलेंट व्हाट्सोएवर. कोई टैलेंट नहीं है मेरे पास इस बात का कि मैं किसी भी सेंस में कोई भी क्रेडिट ले सकूं इसके लिए. मैं कब जाके खड़ा होता हूं, मैं क्या कहता हूं, मुझे आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता. मुझे ऑल आई नो इज देयर इज गॉड एंड देन वो मैं उसका बंदा हूं और वो मुझ पर कर्म करते हैं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता. कमिंग बैक टू यू सर, हम आपकी बात कर रहे हैं, आप ही बात पर रहते हैं. ओके, आपने 30-35 साल पहले यह सफर शुरू किया था. सर खवातीन तो बहुत आई होंगी लाइफ में. मतलब आई से मुराद ये मतलब जिन्हें जाना होगा आपने, फैंस. जी बिल्कुल. तो कभी कभी किसी ने इजहार मोहब्बत किया आपसे अदर देन भाभी? हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी तलाश थी. मेरी भी एक हर आदमी की एक तलाश होती है, तो मेरी एक तलाश थी. मेरी भी थी कि मुझे खूबसूरत ना मिले, मुझे खूब सीरत मिल जाए और वफादार मिल जाए. उसमें तो कोई शक नहीं, आई नो. ऐसा कुछ मैंने टटोलना शुरू किया तो अंदाजा हो गया कि ये ऐसा नहीं. तो लेकिन भाभी तो आपकी बचपन की मोहब्बत थी ना जनाब आला. वो मोहब्बत आज पूछती है क्योंकि माशाल्लाह हुक्मरानों को मैं सलाम करता हूँ, पाकिस्तान के जो
किस वक्त हालात हैं, हा हा हा, तो वो बचपन वाली भी बचपन में पूछती है कि क्या कर रहे हो किशोर कुमार। तो ये बहुत अच्छा, मोहब्बत पे क्या पैसे का असर होता है? अरे क्या कमाल की बात करी, कौन सी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत भाई, 180 रुपए किलो दूध, आहा मजा आ गया भाई, आहा। 3 दिन 4 दिन पहले 100 रुपए किलो था आटा, कुछ नहीं यार 10 रुपए बढ़ा दो, वाह कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। 8 बच्चे 2 हमिया बीवी 10, तो मेरा ख्याल कंजूसी करके अगर 2-2 किलो भी आटा गूंदे तो 3 वक्त का आटा, फिर 600 से 700 घी पकवान, बड़ा आसान जुमला था, बड़ा इजी। अरे भाई चटनी रोटी खा लेंगे यार, घर बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, ये कर लेंगे, वो करके दिखाओ, खा के दिखाओ चटनी रोटी। नो 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 नो, मुश्किल है, मुश्किल कमाल हो गया शायर भाई, चटनी रोटी नो 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 नो, बस ये हसनैन का सदका चल रहा है। देखें बात बड़ी सिंपल है, अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या बात, काश ये जो आज का इंटरव्यू है ये पार्लियामेंट में सुना दिया जाए हमारे, काश काश ये जुमला कि 10 रुपए आटा बढ़ा दिया गया है, ये कोई जाके खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को, मकबूल सिद्दीकी साहब को, इन सबको सुना दे, कोई एक बार जाके ये कह दे, बता दे कि अब्बास नाम का एक शख्स है, एक पाकिस्तानी है जो रहता है, जिसके 8 बच्चे हैं और 2 मियां बीवी हैं और उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो वो कहेंगे कि जफर अब्बास से कांटेक्ट करे, अब्बास वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं कहेंगे कोई, वो ऐसा नहीं कहेंगे। अरे यार इनके साथ भी मेरा बहुत कुछ हुआ है, इनके साथ भी, ये सब भी मुझे जानते होंगे यार, 35 साल में मैं कोई इस सदर की गलियों में थोड़ी रहूं, शहर कराची में रहूं मैं, तो इस टाइप के लोग भी हैं, ये सब जानते हैं, उनको पता है ये सब चीजों का, उनको पता है। मगर यार वो सॉरी यार अब्बास तुम बैड लग रहे हैं यार। अरे क्यों बैड, तुमने लिखी है मेरी तकदीर? नहीं, किसने कहा कि बैड लग रहे हैं? वो लोग जो रिच हैं। आपको शिकायत क्या है, किससे शिकायत? हा 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 हा, क्या बात, उनके आ जाने से आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह क्या बात है भाई साहिर भाई, आपकी भी अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह तबारक ताला, पता नहीं मेरा यहाँ से घर जाना हो ना हो, सांसे तो उसके पास है, मालिक है वो कायनात का, लेकिन एक सच और बोलता चलू, अल्लाह तबारक ताला हमारे पाकिस्तान को ना गुलाब रखे, ये एक गुलाब है और ये एक ऐसा गुलाब है, मैंने भी थोड़ी दुनिया घूमी है, मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस में थे वाले तो पोस्टिंग हम भी जाते थे, इस पाकिस्तान के अलावा भी 3-4 मुल्क घूमे, 4-4, 5-5 साल ऐश की मौज करी, तो वहाँ बड़ा डिसिप्लिन देखा। इंडिया में मेरी आंखें दुख गई आदमी देख देख के, उफ़ ओ इतने आदमी होते हैं वहाँ, तो आंखें दुख गई मेरी यार, कहाँ लिया है अबू, मगर यार वहाँ डिसिप्लिन देखा, वाह जी वाह कमाल है भाई, कमाल हो गया भाई। हमारा दूध 1 किलो आता था, 2 किलो देके जा रहा है, अरे भाई क्यों, घर वालों में टेंशन नहीं, तुमने बढ़ाया नहीं, पूछा उससे, हेलो ये 2 किलो क्यों दे रहे हो भाई, बोला बीबी से आपका रमजान शुरू हो गया ना, चार्जेस हम 1 किलो की लेंगे, रमजान आपका शुरू है, 1 किलो हमारी तरफ से, कैसी बात है ना। अच्छा यहाँ का देखे हम खास ख्याल, शहरी में लाइट जाएगी अफ्तार के वक्त, क्यों रोजदार होता है ना बेचारा, अफ्तार के वक्त लाइट जाएगी, केला 150 रुपए नॉर्मल, हाथ लगा के अगर आपने चेक किया तो वो कहेगा पीछे हटो, तो भाई मैं देख रहा हूं मुझे लेना है, नहीं नहीं हाथ नहीं लगाओ 150 है। उसके बाद अफ्तार के बाद तरावियों का जो टाइम होता है उस वक्त वो चीख रहा होता है 70 रुपए ले जा, 80 रुपए ले जा, अरे क्या हो गया इसको,
तो बस ये कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अल्लाह तबारक ताला भेजेगा भाई, अल्लाह भेजेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ईदी साहब से लेकर जफर भाई तक, और जफर भाई से लेकर और बहुत सारे लोगों तक जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की और आज भी कर रहे हैं। एंड मैं तो जफर को बहुत करीबी जानता हूँ, ही इज एन अमेजिंग गाय। सारिम भाई, मेरे ख्याल में इफ आई हैव टू हैंड पिक कपल ऑफ पीपल, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी दीज टू इंडिविजुअल्स, जो कमाल लोग हैं, कमाल काम करते हैं, और इन्हीं की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है वो बेहतर रहता है और आगे चलता है। बट अब्बास भाई कुछ शिकायतें हैं, जमाने से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, और शायद कुछ अपने आप से भी हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ गानों की तरफ आते हैं। लेट्स सी, बल्कि काम करते हैं ना, गाने पे आते हैं, गाने के बाद ब्रेक लेते हैं। क्या सुनाएंगे सर? पियो और जियो जब तक दम में है दम। अरे क्या बात है भाई, वाह। नहीं बात तो है, बाप की बात है ना, बाप सुनाइए ना। ठीक हो गया, बात तो है। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, कोई बात नहीं, क्योंकि जब पहला इतफाक है ना, तो इसलिए बट इट्स गुड दो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। विल बी राइट बैक, वी आर टॉकिंग विद अब्बास एंड हैविंग फन। वेलकम बैक। और हम पुराने गाने गा रहे थे, और इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइट। एक साथ ही हम लोग शुरू कर रहे थे, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, दैट्स अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर जी। एंड देवानंद साहब का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, याद किया दिल ने कहा हो तुम, बड़ा कमाल गाना था। और एक गाना वो भी बहुत, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। बहुत अच्छे गाने होते थे, क्या बात थी ना उन गानों की, रियलिटी है ना शायर भाई। अच्छा, लता जी का एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। आवाज भाई थोड़ा सा हो जाए, आप हो जाए, नहीं साथ साथ करेंगे, साथ करेंगे, विल स्टार्ट, ठीक है। एंड लेट्स सी, क्या बात है भाई, क्या बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, सर आपको ठीक लग रहा है? क्या बात है भाई, मजा आ रहा है, वाह 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 वाह। अच्छा, घर पे सब कौन कौन सुन रहा है आपके? घर पे मेरी पूरी फैमिली इस वक्त। नाम लीजिए सर सबके। मैं नाम लूं भाई, मुझे तो नहीं, नहीं आप लीजिए। अलीशा है, और जिया है, उनजिला है, इरहमा है, और बिलखसूस आपकी लाडली जहरा है, और राबिया, तो फिर राबिया तो राबिया है भाई, राबिया को तो पूरे पाकिस्तान ने देखा। साहिर भाई तो बस क्या बात है भाई, राबिया। और मैं तो कहूंगा बल्कि आप कुछ कहें फैमिली के लिए, ताकि उनको, आप सब लोगों को मैं बहुत मिस करता हूं, एंड यू गाइस शुड कम हियर एंड वन डे, एंड इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, बट आई मिस दोस डेज एंड आई लव यू गाइस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आई लव यू गाइस। ऑलराइट सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, इट्स ऑल अब्बास भाई टुडे, एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग फन। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं पूछी हैं, वो सेकंड आर के लिए मैंने बचा के रखी थी, तो अब अब्बास भाई से जब वापस आते हैं तो पूछता हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी ने मना कर दिया हो ये शो पे गए हो, और मना कर दिया हो कि आप यहाँ गा नहीं सकते? बताऊंगा ब्रेक के बाद। ओए होए, क्या भरोसा है किसी का। अच्छा ये बताएं, वहीद मुराद साहब को आपने भी बहुत पसंद किया? बिल्कुल, मैंने, मैं तो आप फैन है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, और ये अहमद रुश्दी साहब को भी बहुत पसंद किया? जनाब सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, सिंगर है। बड़ी अच्छी बात की सिंगर है वो, तो जाहिर है वो तो सिंगर है। जी, अच्छा तो हम एक गाना करने जा रहे हैं, क्या पता जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी का, ठीक है सर? आप कीजिए सर, इट्स ऑल यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरा स्केल नहीं है, बट बहरहाल निभाना तो पड़ता है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा सो, अच्छा अब तो गाने की तो बात हो रही है, और जाहिर है बच्चों में किसी में शौक आया गाने का? बेटा है मेरा माशाल्लाह, और उसका जो शौक है वो सुभान अल्लाह है भाई, वो अच्छा गाते हैं, अनमोल हीरा है मेरा। रियली? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हें आप मौका देते हैं आगे गाने का, अपने साथ लेके जाते हैं शोज पे? हाँ, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कुछ थोड़ा सा पढ़ लिख के वो चीजें ना देखे जो मैंने देखी है, और माशाल्लाह वॉइस बहुत अच्छा है उसका, और इस वक्त मेरे साथ भी है वो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो एक ज़ाती अपना कहना है कि मेरा दिल चाहता है पापा कि मैं सना खवानी करूँ।
और कलाम गाऊं मौला हुसैन और मौला अली की इस घराने की नस्बत से, तो उसका एक अपना शौक है. लेकिन वो मैं जहाँ तक उसको जज कर रहा हूँ कि वो एक सिंक आवाज है. Okay. अच्छी आवाज है. अच्छा, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी चीज पे रिग्रेट होता है, ऐसा लगता है अफसोस होता है किसी चीज पे कि ऐसी अगर आपको दोबारा से चांस मिले कुछ करने का तो कुछ चीज अलग करेंगे आप अपनी जिंदगी में, कोई ऐसा कदम जो आपने गलत ले लिया? बस एक बहुत बड़ी गलती की ना यार मैं, अगर कम से कम मुझे जॉब तो पकड़नी थी. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जॉब मामूली जॉब नहीं होती साहिर भाई. सर इश्क जो होता है ना लाइफ बनाता है वो. सर या वो होता है या नहीं होता? सर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े कमाल के आदमी हो यार आप तो, बड़े कमाल के आदमी हो. मुझसे पूछा किसी ने, जब बहुत साल पहले मैंने ये शुरू किया काम, तो मुझसे पूछा किसी ने, मुझसे कहा आप इसके अलावा क्या करते हैं? मैंने कहा सर यही मैं ढंग से कर लूं बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, वाह वाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता. बट सो अच्छा खैर एनीवे, कभी ऐसा लगता है कि अगर फर्ज करें आपको शोहरत उतनी मिलती जितना आप डिजर्व करते हैं, तो आपके अंदर ये जो दर्द है, जो तकलीफ है, ये कम हो जाती? मैं इसको ढूंढता दूसरे लोगों में. पक्की बात है? पक्की बात, मैं ढूंढता. मैं इससे हाई पोजीशन पे जिस तरह आप अवॉइड कर जाते हैं, आपको मैंने बहुत करीब से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्राउड की बात नहीं है. पूरा पाकिस्तान मेरी बात को गलत ना समझे, मेरा भाई इसलिए अवॉइड नहीं कर जाता है कि बड़ी मेहनतों से साहिर लोधी बना. मैं क्या अवॉइड कर जाता हूँ? मुझे तो अरे बस कर दें आप. नहीं क्या अवॉइड कर, बता दो दे मुझे. मतलब बस वो जगहें, वो शोज, वो नहीं नहीं बस ये तो गुजर चुका हूँ मैं, बस यहाँ से मैं जा चुका हूँ. नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं फिर भी ऐसा भी, बिल्कुल भी नहीं. देखें ऐसा भी है मान जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप मान जाए मेरी बात भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अरे है ना, कहाँ देख लिया आपने? कहाँ देख लिया? बेहिसाब शोज होते हैं यहाँ इस शहर कराची में, आप तक कोई पहुँच ही नहीं रहा. नहीं नहीं उसका रीजन है, उसका रीजन ये नहीं, बता देता हूँ. आपने मुझे कभी किसी अवार्ड शो में देखा? नहीं नहीं. आपने मुझे कहीं और देखा? नहीं नहीं. मैं स्कूल्स में जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मैं शोज में नहीं जाता, किसी भी शो में नहीं जाता. ठीक हो गया. अगर मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जो मुझे कहे भाई आपने मेरे घर आना है या मेरी शादी में आना है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा. देखिए बात ये नहीं है, मैं मेरे ख्याल में मैं जितना ग्राउंडेड आदमी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उतने बहुत सारे लोग होते होंगे. मुझे अपने बारे में ना तो कोई जोम है, ना फ़ख्र है, कोई भी चीज़ नहीं. कि तो सब आप जैसे बड़े फनकारों की बातें, मैं तो अपने आप को सबसे जेन्युइन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को फनकार नहीं मानता. बिकॉज ना तो मैं कोई बहुत पुख्ता आर्टिस्ट हूँ और ना ही मुझे कोई गाना वाना आता, समझ लेता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत कान अच्छा है सुनने में. क्या बात है. बट मैं आपको वैसे बता, थोड़े बहुत के लिए मैं कहूंगा वाह. नहीं नहीं मैं आपको वैसे बता रहा हूँ. तो भाई आप ना मुझे किसी भी शोज में नहीं देख सकते. ठीक हो गया. कभी नहीं देखेंगे आप मुझे इस शहर कराची, तो क्या शहर पाकिस्तान में कहीं नहीं देखेंगे. मैं एक जमाने में कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत करता था, कॉर्पोरेट शोज बहुत करता था, फिर एक रोज डिसाइड किया कि मैं कॉर्पोरेट शोज नहीं करूंगा. क्या बात. तो मैंने मना करना छोड़ दिया. आप मुझे $1,000,000 दे दीजिए, मैं नहीं करूंगा, मैं शोज करता ही नहीं. क्या बात. मैं जो काम मुझे करना नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी भी अब्बास भाई वो नहीं किया जो मेरे दिल ने नहीं गवाही दी जिसकी. क्या बात. मेरा दिल, मैं मतलब मैं ये नहीं कहता कि कॉर्पोरेट शोज अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, मेरे लिए नहीं होते. क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बैठ जाइए, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जाऊं, अनलेस कि मैं उन्हें जानता हूं, तो वहां तो मैं चला जाऊंगा. लेकिन और रही इसकी बात, मेरी स्ट्रगल्स के बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरे और मेरे रब के. मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जितनी स्ट्रगल मैंने की है. बॉस आप क्या बात कर रहे हैं. ठीक. मैंने 100 रुपये दिन के लिए काम किया है, 100 रुपये दिन के लिए. मेरी पहली तनख्वाह 7,000 रुपये थी बॉस, 7,000 रुपीज पहली तनख्वाह. और महीने के 5 शोज करता था सर उसमें मैं दिन के, और उसके बाद रेडियो भी करता था. सर मैंने इस शहर कराची में 2,000 रुपये के शोज किए. आई हैड टू यू नो डू दिस. और रही इसकी बात, ये मैं क्यों नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हाँ मैं अक्सर ये करता हूँ, मैं जिन जगहों पर जाता हूँ उसकी तशहीर नहीं करता.
वो मेरी अपनी जाती जिंदगी है, उसका मीडिया से कोई भी ताल्लुक नहीं. मीडिया का ताल्लुक मेरा टेलीविजन और रेडियो का है और वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता. इसके आगे मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं करता कि वो मेरी ज़िंदगी के बारे में जाने. जो मैं जितना सोचता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ कि लोग जाने, बस उतना ही जानते हैं. क्या बात. अब उसे अपने तौर पे कुछ भी ले सकते हैं. क्या बात. तो ऐसा नहीं, हर आदमी ऐसा नहीं होता. हर आदमी और बेशुमार लोग ऐसे हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ ऐसे लोग जिन्हें मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जो बहुत ग्राउंडेड हैं. और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ. मैं अक्सर ये कोट करता हूँ वाक्य, NIBD में डॉक्टर ताहिर शमसी होते थे और अक्सर मैं उनके पास जाया करता था, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको. एक रोज़ मैं गया उनके बच्चों से मिलने वहाँ, तो हम बच्चों ने बताया कि आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं बिकॉज हुमायूं भाई ने हमें बुलाया. हुमायूं सईद. क्या बात. देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पसे पर्दा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता. डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, गॉड ब्लेस हिज सोल. मैं लाहौर में था, मैं एक शो कर रहा था, 8 लोगों की एक टीम थी जो गिनीज के रिकॉर्ड बनाने पाकिस्तान के लिए लाहौर गई थी. उनको जो भेजने के टिकट्स थे वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने दिए थे खुद. क्या बात. तो देखें हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते. आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को अच्छा समझें बुरा समझें एक दूसरी बात, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ज्यादती करते हैं. हम अक्सर लोगों को नहीं जानते और लोगों के बारे में बात करते. वी डू नॉट नो व्हाट पीपल आर. खैर इरिस्पेक्टिव, कमिंग बैक टू यू, तो लाइफ के अंदर आपको लगता है कि आपको जॉब करनी चाहिए थी. हाँ, मतलब जरूरी था. जरूरी था. इस पे डिपेंड नहीं करना था. इस पे डिपेंड नहीं करना था. अच्छा अच्छा, इनको जरा बंद करेगा, चुप करेगा, बोलिएगा जरा बातें मत कर यहाँ तक. थैंक यू. बंद कर दें, बात कर रहे हो आप लोग, इनको बोलिए जरा वरना मैं समझा देता हूं. ये है मुझ में पठान लोग हैं, मीटर आउट हो जाता, एक सेकंड लगता, वापस भी आ जाते हैं एक सेकंड में. कमिंग बैक टू यू. एक बात बताइए, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी तरह से, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करें वो अपनी ज़िंदगी में? अब इतना ही कहूँगा कि हर रात के बाद एक सुबह है. तो इस पे खुद क्यों बिलीव करते? मैं बिलीव कर रहा हूँ. तो बिलीव करो. चल रहा हूँ ना अब तक, ज़बरदस्ती से मैं अपनी सुबह तो लाने से रहा, मेरे बस नहीं. सर अमिताभ ने एक जुमला कहा था, मुझे वो जुमला बहुत अच्छा लगता. क्या बात. वो कहते हैं मेरे फादर ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर तुम्हें जाना है ना तो अगर दरवाजा बंद मिले तो कूद के दाखिल हो जाओ. ओहो बॉस, ये बताऊं आपको, या तो प्यार ना करें, या करना है तो प्यार के अलावा कुछ ना करें. आहा हा. मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आहा कहने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है. ये मैं बॉस मतलब ऐसी की तैसी फेर दें. क्या बात. कितना रोक लेंगे लोग आपको? और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां जाना चाहते हैं. पर बॉस दिल में ये तसल्ली तो होगी ना कि मैंने कोशिश की. ठीक. दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहने के लिए पैदा हुई है. बल्कि आप तो खुद वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. क्या बात. छोड़ो संसार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना. तो अब्बास भाई एक चीज है, फर्ज करें कि आपको मौका मिलता है और आपको ये कहा जाता है कि अब्बास भाई आपने गाना गाना है और एक गाना बनाना है, आपने एक ऐसा रोमांटिक गाना बनाना है, ऐसा गाना कि जो मतलब हर शख्स को याद हो जाए. कभी कोई रोमांस का गाना लिखा? क्या बात. खुद लिखा अपना? हाँ, वो कोशिश की थी एक, मगर उसके लिए भी वो फाइनेंशियली मसले मसाइल आ जाते हैं. क्या था बोल, क्या थे? तेरी आंखों में वो जादू है. है? वो तो तेरे चेहरे में वो जादू था, किशोर कुमार का. वो किशोर है ना. आपने आंखों में डाल दिया जादू? आंखों में. कोई बात नहीं. हाँ यकीन करें, अगर आपको कोई, तेरे चेहरे में वो जादू, एक मिनट आपकी आंखों में कोई देख ले, एक मिनट गया वो. कौन? जो देख रहा है. अच्छा, पता नहीं हजारों मरतबा देखा हजारों लोगों. नहीं 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 नहीं, जिन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया. अच्छा साहिर भाई, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. नहीं आपसे. हाँ इसलिए तो बोलो नहीं नहीं कर रहे.
नहीं कर रहे आप बोले 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 आप के फैन आपके आप गेस करके बताएं कि आपके फैन कराची में ज्यादा हैं या लाहौर में पता नहीं मुझे ऐसे ही मुझे लगता पूरे पाकिस्तान वो तो है वो तो है मैं और जेनुअली नहीं बता सकता है मैं सच बताऊं आपको मैं जेनुअली नहीं बता कसम से साहिर भाई आपको लाहौर में बहुत लाइक करते हैं रियली बहुत शुक्रगुजार बहुत लाइक करते हैं आपको मेरे एक दोस्त हैं कराची में भी करते हैं ठीक ठाक लोग करते हैं नहीं यहाँ मैंने ये तो नहीं कहा साहिर भाई लेकिन आपको लग रहा है कि लाहौर में अरे लग रहा नहीं मैं वो बुनियादी बात करने जा रहा हूँ जो शायद यहाँ से कम आवाज आएगी बल्कि अभी तक मैंने नहीं देखा लाहौर में एक बहुत अच्छे कारोबारी आदमी है ज़ीशान तारिक साहब जो इस वक्त मदीने में है इस वक्त मदीने में है वो फैन है आपके वो कहते हैं यार उनको कहीं पता चल गया बास भाई के साथ हलो हाय है साहिर भाई की तो वो कहते हैं कि यार किसी तरह से इनको राजी करो यार एक बहुत बड़ा सा शो हो लाहौर में हाँ एक शाम साहिर लोधी के ना पता नहीं क्या उनका दिल है क्या उनका दिमाग है तो मैंने कहा अगर किस्मत लेके गई तो साहिर भाई तो सुभान अल्लाह आदमी है भाई वो तो चल देते बोलेगा साहिर भाई के लिए ना एक जितना पैसा वो उस पर खर्च करेंगे ना एक छोटा सा दो कमरों का स्कूल बना दें साहिर भाई खुद आएंगे और एक कमाल कर दिया ये मैसेज पहुंच गया मैं सच बता रहा हूं। अरे ये मैसेज बता रहा अरे वाह और स्कूल बनाएं और स्कूल पे सारा पैसा लगा दें दो कमरों का बना दें लेकिन बना दें अरे भाई कमाल हो गया और मैं अपने फर्चे पे सब लाहौर खुद आऊंगा खुद बैठूंगा पहली क्लास में पढ़ाऊंगा वो फो कमाल हो गया भाई ये साहिर लोधी जैसे करोड़ों लोग अरे कमाल कर दिया आपने यार वाह भाई मैंने तो कमाल नहीं किया कर दिया ना कर दिया आपको नहीं पता ना ठीक है ये पूरा पाकिस्तान सुन रहा है साहिर भाई कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर से देखें आप कॉन्फिडेंस भला की चीज है भाई वाह भाई वाह 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 ज़ीशान तारिक साहब आप तक ये मैसेज इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा बल्कि पहुंच गया होगा आप तो हर वक्त टच करते रहते हैं दुनिया को तो साहिर भाई एग्री हैं और किस हद तक एग्री हैं ये भी आप सुने और पूरा पाकिस्तान सुन रहा है तो इस तरह के तमाम लोग देख लें हुब देखें आप आ हा हा क्या बात है भाई ठीक है जी मेरे लिए वो कर देना ये कर देना नो 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 एक दो कमरे का स्कूल ज़रा सोचें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है क्या चाहते हैं साहिर साहब डबल सल्यूट सर नहीं अच्छा मैं आपको सच बताऊं इसमें कोई ये नहीं है कि आप कोई मेरी तारीफ करें मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूं और चंद सालों बाद मैं नहीं हूंगा ये दुनिया का उसूल है और इससे कोई हम आज हैं हम कल नहीं होंगे इट इज़ माई टाइम टू गिव बैक एंड आई होप एंड प्रे कि जब मैं जाऊँ यहाँ से तो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मेरे बाद भी कायम रह सकें बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है यार इस मुल्क ने मुझे सभी कुछ दिया है जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आया था तो यहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी आज मेरे पास जो कुछ है वो सब का सब पाकिस्तान का दिया हुआ है और इसके लोगों का दिया हुआ है दुनिया ने तजर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं तो बेसिक बात यह है कि इसमें कोई मेरी तारीफ शारीफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जस्ट सिंपल थिंग कोई बात नहीं मैंने बड़े शोज़ किए बड़े देखे हो गए शोज़ अभी दूसरे लोगों की बारी है हमने भी कुछ जगह ली थी अब कुछ लोग हमारी जगह लेंगे तो दिस इज़ गुड आई एम हैप्पी विद इट आई एम जस्ट एब्सोल्युटली हैप्पी विद इट आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर बट वी नीड टू मेक स्कूल्स वी नीड टू मेक श्योर कि वी बिल्ड आर नेशन और नेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको तालीम के ज़रिए सरास्ता करें स्पेशली द गर्ल्स एक यहाँ पर ऐड चलता है मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े आई लव दैट और उस दिन मैं नवीद से कह रहा था कि हमको इतने साल लग गए इस पोइट्री को चेंज करने में इस पोइट्री को चेंज बहुत पहले हो जाना चाहिए था आई होप मेरी बेटी है और हर नेम इज़ ज़ारा और वो सी 6 years old और मुझे लगता है कि मेरी सारी दुनिया जो है वो सिमट के उसके चेहरे में आ गई एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए बहुत सारे लोग आएंगे अब मैंने हमेशा एक बात की है और आपको भी यही समझाया है और यही रिक्वेस्ट की है कि शोहरत को कभी भी सर पे मत चढ़ाएं और नाकामी को कभी भी अपने दिल से मत लगाएं दोनों चीज़ें आर्जी हैं दोनों चीज़ें आज हैं कल नहीं है कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कसम खा के कहता हूँ जाना मट्टी में ही है यूँ करके बॉस ट्रॉफी बनाते हैं ऐसे डालते हैं टक टक करके लेके जाते साइड में रखते उड़ा के डालते मट्टी शट्टी डालते
उसके बाद गले मिलकर रोते हैं, फिर उसके बाद वापस आके बिरयानी शिरयानी जो भी बटरी होती है वो तो खा लेते हैं, बोटियाँ वोटियाँ ढूंढ के, और अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, और से और हुए दर्द के उनमा जाना, खत्म हो जाती है कहानी। क्या बात, बस ये आपकी कहानी है। तो भाई स्कूल बना लें आप, मैं आऊँगा और खुद आऊँगा आपको, यू डोंट हैव टू इवन कॉल मी। अब पहली क्लास भी मैं पढ़ाऊंगा, बट प्लीज स्कूल बनाए, स्कूल बनाए। अच्छा जी, अब कमिंग बैक टू यू सर, सर गाने शाने की तो बात चलती रहती है ना सर, अब जरा कुछ थोड़ी सी मजे की बात है, मुझे कोई तुम्हारा मुदब्बराना आंसर नहीं चाहिए। कभी कोई ऐसी पागल फैन मिली जिन्होंने कहा अब्बास मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ भाभी के अलावा, खुदा का वास्ता? पागल तो नहीं, मतलब पागल से मुराद ही मतलब जो एकदम से बोलते हैं ना अब्बास आई लव यू मैन। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हुआ। फिर क्या 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 किया? ऐसा भी हुआ, मैंने उससे सच सच होता है, और आपने माजरत की? नहीं माजरत नहीं की, मैंने उसको वो इस हद तक हो गया था कि अब चलो वो कुछ करो, तो मैंने कहा यार अब शादी करनी है मतलब। हाँ तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप मेरे घर आए और जिस जगह मेरी माँ चाहती है वहाँ मैं करूँगा, वहाँ हो जाए, ठीक है, या तो मेरी माँ एग्री हो जाए आपको देखकर, ठीक है, या वो लड़की। तो वो क्या आपके खानदान में से थी कोई? नहीं, बाहर से। बाहर से, ओके। हाँ, उसने माशाल्लाह बीए टॉप किया माशाल्लाह, और मैं नॉन मैट्रिक। कोई बात नहीं, प्यार तो प्यार है। हाँ बस उसकी पता नहीं क्या सोच थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मुझे चाहती है ना वो फायदेमंद है जी, जो मुझे चाहती है। ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की थ्योरीज देते हैं? अरे आई जस्ट नीड टू नो, नहीं, ये कौन से हसीन लोग हैं जो ये बोलते हैं जो मुझे चाहे मैं उससे प्यार करूंगा? नहीं, कोई शराइत थोड़ी है यार, शराइत नहीं, मतलब माफ कर दो यार, खुदा का वास्ता मुझे तो ये दुनिया समझिए, पता है जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आती। नहीं मैं तो देखिए भाई, भाई साहिर भाई, गलत नहीं। अच्छा खैर, अच्छा मुझे बताएं आगे क्या हुआ, छोड़े उसको। तो बस मतलब सिंपली यही, अम्मी से मिली हूँ आपकी? हाँ, वालदा ने कहा कि भाई मैं तो कुछ और चाहती हूँ। फिर क्या हुआ? नहीं हुआ, बात करते रहे, नहीं हुआ अभी। मैं तो हुआ जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था, जो वाले, और आजकल वही होता है जो बेगम चाहती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो वही हो रहा है। और क्या होगा, बिल्कुल, और क्या होगा, अभी तक तो वही हो रहा है। और अब कुछ भी नहीं, बस सात बेटियां दी हैं परवरदिगार ने, अब इनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो घड़ी मेरे घर में आए कि मैं इनको रुखसत करूँ, जोड़ी जोड़ी से कर दूँ इंशाल्लाह। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, हो जाएंगे इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह करीम है, वो चला रहा है, इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होंगे। अच्छा तो ये तो बात ये हो गई, और आपने जिंदगी में एक ही मोहब्बत की और वो अपनी बेगम से की? जी जी बिल्कुल, उसके अलावा कभी कोई अच्छा नहीं लगा? नो। अच्छा हीरोइन कौन सी अच्छी लगती थी आपको? ओहो कमाल किया भाई, मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी, ओह बहुत अच्छी लगती थी आप। क्या बात है, रिमझिम गिरे सावन, क्या बात है, सुलग सुलग, क्या बात। वजह क्या थी, उनके डिंपल्स अच्छे लगते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्ट करना कमाल की चीज होती है साहिब भाई, रियलिटी देना अच्छा कमाल की चीज होती है। अच्छा हीरो कौन सा अच्छा लगा आपको? ये भी कमाल की बात पूछे आप, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह साहब, ये आपको अच्छे लगे? क्या बात है भाई, आपको कभी अमिताभ या ऐसे लोग? नहीं नहीं, ये ठीक है, बिग नाम है, बड़ा नाम है, सब कुछ है। पाकिस्तान में कौन अच्छा लगा? पाकिस्तान में मोहम्मद अली, मोहम्मद अली साहब, क्या बात। और हीरोइन में? जेबा जी, ओके, वही मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, क्या बात है। वहाँ बस अब पाकिस्तान को आप गिनना शुरू कर देंगे तो फिर देख लें, बदर मुनीर, खबर वारा हो गो रेखा, हाँ पाकिस्तान के अमिताभ दे जमा पूछे। हाँ नहीं नहीं, पाकिस्तान दे बदर मुनीर, अमिताभ तो खैर, अरे पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन है, वो कोई दूसरा बदर मुनीर आया अभी तक? नहीं नहीं, पाकिस्तानी बदर मुनीर है, वो अमिताभ नहीं है, कहीं से भी अमिताभ नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूं, आपको सिर्फ बदर मुनीर होना है, आपको अमिताभ नहीं होना। ठीक ठीक, क्यों, किस लिए, क्या बात, आप हमारा मुल्क किसी से कम थोड़ी है, मिलाना इल्म मिलाना, नहीं हमारा मुल्क किसी से कम थोड़ी है, पाकिस्तानी अमिताभ, पाकिस्तानी शार, बिल्कुल नहीं, क्या बात है भाई, आप बदर मुनीर हैं, और आप और बदर मुनीर दुनिया के किसी भी एक्टर से कम नहीं। भाई दिस इज व्हाट, अमिताभ सबके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बट द सेम टाइम मेरे लोग हैं, अरे फनकार है, सवाल ही, मैं उनको किसी के नाम से क्यों जोड़ूं? अरे उनकी अपनी, अगर इतने सालों के बाद भी उनकी अपनी पहचान नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं गलती हम में, क्या बात है भाई। तो सर नहीं, सर ऐसा नहीं हो सकता, बदर मुनीर इज बदर मुनीर, अरे वाह भाई वाह भाई वाह। अच्छा सर आगे आगे चलते हैं सर, सिंगर्स में सबसे अच्छा कौन लगा?
मैं दे सुन साहब। अच्छा कभी आप जो आपके हमसर सिंगर जो थे कभी किसी से जलसी हुई? सच में बताइएगा मुझे। हाँ नहीं बराबर के इनसे नहीं मुझे तो, नहीं, नहीं मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं कोई जाए कभी किसी को ऐसा लगा यार नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी सिंगर को देख के रश का आया कह रही मुझसे बेहतर गाता है? हाँ क्यों नहीं। कौन भाई? बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मुझे कुछ कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है। सुभानअल्लाह अपनी जगह सब आप हैं। ये कुदरत की दी हुई चीजें होती हैं। कौन बताइए ना एक नाम तो दीजिए ना कि जिनको देख लगा कि आपको ये मुझसे बेहतर गाता है। भाई माशाल्लाह इंजीनियर साहब हैं। अच्छा मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मतलब मैं जो फेमस हो गए उनकी बात नहीं कर रहा जो आपकी तरह से थे और बहुत अच्छे थे लेकिन समहा उनका नाम नहीं बन सका। हाँ बहुत से लोग हैं इस तरह तो अब मैं किस किस के नाम लूँ वो अब पता नहीं। वो लोग तो वो छोड़ भी चुके हैं मेरा ख्याल। रियली? हाँ वो निकल चुके हैं। अच्छा आज के शोज में और पहले के शोज में फर्क क्या है? क्या लोगों को आज भी पुराने गाने याद हैं? हाँ बिल्कुल है सब कुछ सही है लेकिन बैलेंस आउट हो गया ना तो अब कौन गाने वाने कैसे गाने वाने यार वो अजीब गाना लग गया यार अजीब गाना लग गया। आजकल कौन से गाते हैं आप? अल्लाह हू अकबर ये वाला बिल भरना है वो वाला बिल भरना है ये वाला गाना। कौन से गाने? ये भी एक गाना है ना। ये भी एक गाना है। अरे ऐसा गाना है पूछे मत भाई। एक टाइम फिक्स किया है कि इलेक्ट्रिक ने अल्लाह अकबर सुबह 5 बजे अजान के बाद लाइट नहीं है। डेली डेली नहीं है। कब आती है? वो आती है फिर 8:30 बजे सुबह। मतलब बच्चा कैसे स्कूल जाएगा नाश्ता कैसे बनेगा क्या है स्त्री क्या होगा यूनिफॉर्म कैसे होगा ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। खुदारा परवरदिगार मैं तुझसे कह रहा हूँ अल्लाह ताला मैं तुझसे कह रहा हूँ भेज दे कोई सही आदमी भेज दे कोई सही आदमी। एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद बात करते हैं Once again, welcome back. We're talking with Abbas bhai. और Abbas bhai सर ये बताइए इस वक्त कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? सर अब तो टाइम भी थोड़ा सा रह गया 11 मिनट रह गए जरा अच्छा सा कोई गीतमाला टाइप हो जाना चाहिए ना मतलब कोई अंताक्षरी टाइप हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी है मेडले हो जाए। एक गीत है किशोर साहब का अगर इजाजत हो आपकी। हाँ लेकिन बहुत थोड़ा कीजिएगा वरना कट जाएगा पता नहीं ये मतलब सीरियसली या ट्रिब्यूट है किशोर कुमार साहब की। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। अच्छा ए नय्यर साहब बहुत पसंद थे आपको? ए नय्यर साहब एक बेसिकली सिंगर हैं और एक आवाज है कोई शक नहीं। ए नय्यर साहब का एक गाना है बिना तेरा नाम करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। थोड़ा सा सर क्या बात सर इतनी देर में तो हम कहीं चले जाते हैं। बड़ी बात बड़ी बात बड़ी बताइए बताइए सर आपने मुझे कॉन्शियस किया इस वक्त? नहीं नहीं कोई कॉन्शियस ऐसा कोई गीत जो आपको बहुत पसंद हो। वाह जी वाह वाह जी वाह। मैडम नूरजहां का सुना दीजिए मेहदी हसन खान साहब का सुना दीजिए कुछ भी सुना दीजिए वो सुना दीजिए अरमान का गाना क्या था वो अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। हाय हाय सर ये तो साथ आप देंगे फिर मैं दे दूंगा पर कोई बात नहीं आप सुनाइए। हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे तुम ही को नहीं सिखा सबको गिला है मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे
अकेले ना जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। इससे पहले के लोग चले जाएं, उनकी कदर करें, उनके फन की कदर करें। आई होप दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू बास भाई। दिस इज मेरा एफएम 107.4।